को फोन किया, कॉल करने के बाद बोला कि आपका पत्नी मार के बेहोश कर दिया है। तो नाइट में 7 बजे नाइट में। अच्छा अच्छा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोची वीरेंद्र कुमार दर्शक। आज पिंकी देवी ने मीडिया के साथ अपना दर्द साझा किया है। उनका कहना है कि हमारे पड़ोसियों ने, हमारे गोतिया ने मामूली विवाद में, जिसमें काशी यादव का प्रमुखता से नाम बता पा रही है, मार पीट कर जख्मी कर दिया और मैं बेहोश हो गई। हालांकि झाझा थाना में मामला आया, लेकिन झाझा थाना ने महिला थाना भेज दिया। इस प्रकार कोर्ट से जाकर वो महिला केस करती हैं और पीड़िता अभी भी इंसाफ की गुहार में पूरी तरह से मैंने गुहार लगा रही हैं और अभी तक वो दर दर की ठोकरी खा पा रही हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि मैं मामूली बकरी चरने की विवाद हुआ है, अब हमको मार पीट कर इन लोगों ने बेहोश कर दिया। हमारा पति क्योंकि बाहर रहता है और जब उनके पति को सूचना मिलती है, उसका पति आता है यहाँ घर पे, फिर मामले की थोड़ा सा जांच में जुटता, पता लगाता है, पता चलता है कि उसकी पत्नी को इन लोगों ने सच में जो मारकर बेहोश कर दिया था। जिस तरह से यह गुहार लगा पा रही है कि कहीं ना कहीं आज तक हमको इंसाफ नहीं मिला, आखिर कानून है तो किसके लिए? क्या कमजोर लोगों के लिए कानून नहीं है? झाझा के थाना तक राजेश्वरन से साथ ही साथ FDP और SP साहब से लगातार ये गुहार लगा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। पति का क्या नाम है? श्याम यादव। कहाँ घर है आपका? धपरी। कौन धपरी? छापा धपरी। छापा धपरी। क्या मामला है, कौन कौन मारपीट किया आपके साथ? काशी यादव, जीरवा देवी, मंती देवी, चंदनी कुमारी, सचिन कुमार, सब मिल के घर पर मारा था। कब मारा है? नाइट में 7 बजे नाइट में। अच्छा अच्छा क्यों? ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, चना खिया दिया बोला तो इसीलिए घर ढूक के मारो बोले। इसका गाड़ी दे, कौन खा गया? उसका बकरी हिरू। आपका चना खा गया? हाँ। ठीक, तब मना करने गए? मना करने के लिए गया तो हम घर डर से घर आ गए, डर से घर आई अभी घर में घुस के मारा था। अच्छा हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, केस हुआ? तब मार के बेहोश कर दिया मेरे को। अच्छा हाँ। बड़ा वाला बच्चे, छोटा वाला बड़ा वाला बच्चा यहाँ आना था नेतापुर ने के लिए गया, और छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा मम्मी मम्मी पूरा चिल्ला लेता, छोटो बच्चा के 3-4 लाठी मार दिया। अच्छा। और तो हम बेहोश था, गांव वाला लोग सब मिल के उठा के डॉक्टर रू बुलाया और 112 पर फोन किया तो पुलिस भी आया है, डॉक्टर भी आया है। तब तो अनहारे मामला जब हुआ, तब तो अनहारे होश हुआ, तब तो हम केस करने के लिए गए थाना जाजा, तो केस भी मेरा के नहीं लिया यार। जब कोर्ट से केस लिया है तब तो उधर से इधर से पुलिस गया, बोल क्या इतना बोला ग्रामीण लेवल से मिल जाइए, तो हम बोले कि ना मिले, हम कोर्ट से फैसला करेंगे। कोर्ट से केस हुआ तो लोग पकड़ नहीं रहा ना? कुछ नहीं पकड़ रहा है। हम भी, मेरा पति बेंगलोर में था, अब जब मारा था आपका पति यहाँ नहीं था? ना, बेंगलोर में था, हम फोन किए। हाँ, अकेले बच्चों भी मारा है। बच्चा को मारा? क्या नाम है बच्चा का? सूरज कुमार। सूरज कुमार, उसको भी मारा? हाँ, उसको भी मारा है। कोर्ट से केस हुआ, पुलिस अभी तक किसी को पकड़ नहीं रही? केकरो ने पकड़ रहा है, और हम डेली डेली दौड़ते रहता है, और जो बच्चा लोग के नाइट में आता है किसी के जब केस उठाइए ना तो किसी के काट के जाएंगे जेल। अच्छा, जेल जेबे के, लेकिन काट के? हाँ, काट के जाएंगे। नाइट में घूरता है काशी यादव। कहाँ का रहने वाला है काशी? धपरी के। छपा धपरी? छपा धपरी के। आपका? श्याम यादव सर। कहाँ घर है आपका? छापा धपरी। आपकी पत्नी के साथ कौन कौन मारपीट किया? तो काशी यादव, जीरवा देवी, मंती देवी, सचिन कुमार, चांदनी कुमारी। उसी मामूली विवाद, बकरी चरने के खारे का? हाँ सर। तो क्या हुआ फिर? फिर हुआ सर, हम तो बेंगलोर में थे सर। अच्छा। बेंगलोर में थे तो बोला, पड़ोस वाला हम लोग को फोन किया, कॉल करने के बाद बोला कि आपका पत्नी मार के बेहोश कर दिया है। तो बोले मैं डॉक्टर के पास इलाज करा, वो थाना प्रभारी में भेजता हूँ फोन करके। थाना प्रभारी फोन किए सर, फोन करने के बाद थाना प्रभारी नहीं उस समय पहुंचा। बाद में उसके बाद हम सुबह हमको कॉल किया, बोला मैं ठीक है ऐसा आया तो बाद में हम आते हैं बेंगलोर से। जब वहाँ एक समय में आए घर, घर में आए देखे इसको पूरा हालत सा सर, इसको इलाज कराने, इलाज कराने इसको माथा में ब्लेड में, मतलब तो करे गांव वाला पहले अस्पताल ले गया सर। अच्छा। उसके बाद इसको ब्लेड अभी ट्रीटमेंट कराए, ब्लड जाम है इसका सिर में सर। अच्छा। जाम होने के कारण सर इसको आए थाना प्रभारी बात किए तो बोला कि बोल अभी जो कोर्ट चला गया मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, कोर्ट से आ गया? कोर्ट में जाके? हाँ सर, कोर्ट में जाइए, कोर्ट से कुछ होगा आपको, इधर कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या गुहार लगाते हैं आप? गुहार लगाते हैं सर, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हाँ सर।